वेलकम टू आर चैनल द डफर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं गाज़ियाबाद टू आगरा जा रहा हूँ और मैंने जो CNG ली थी वो मैंने करीब 8 किलो शायद मैंने ली थी, उसका मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखा है। तो इसका माइलेज टेस्ट जो है, मैं अभी जो है ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेस वे पर चल रहा हूँ और मेरी जो स्पीड है आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे 81-80 मतलब 75-85 के बीच में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अभी जो है एक 170 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है, अभी 1 बार अभी बाकी है, तो आई थिंक ये 200 क्रॉस कर देगा मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है। और गाड़ी की बात करूँ तो अभी मुझे इसी मंथ 6 जुलाई को डिलीवर हुई थी गाड़ी और तब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी तक मैंने 1451 किलोमीटर तक गाड़ी ड्राइव कर ली है। तो अभी मैं इसका ओनरशिप रिव्यू नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी तक मुझे ये ठीक से समझ में नहीं आई है कि क्या इसमें ख़ास बात है और क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अभी नेगेटिव पॉइंट्स की मैं कुछ बात करूँ तो मैं, जैसे थोड़ी सी रोड ख़राब होती ना, जैसे हल्का सा जर्क टाइप की रोड होती है, जब मैं उस पर ड्राइव करता हूँ तो पूरी गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लगती है, जैसे कि इंटीरियर हो गया, यहाँ से कहीं आवाज़ आती है आपके AC विंड से, कहीं यहाँ से आवाज़ आती है, कुछ ना कुछ आवाज़ मतलब आने लगती है, कहीं बैक साइड से आवाज़ आने लगती है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और एक और मुझे प्रॉब्लम जो है फेस हुई है वो इस तरीके की है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ हैंडल। ये जो ब्रेक का है ना, जब मैं इसको ब्रेक को हल्का सा प्रेस करता फिर छोड़ता हूँ ना, तो इसमें से थोड़ा सा कट जैसी आवाज़ कुछ फील होती है जो मुझे काफ़ी अनोइंग लगी। एक्चुअली मैं जा तो इटावा रहा था अपने होम टाउन पे, तो मैंने सोचा कि एक बार आगरा सर्विस सेंटर्स को दिखा दिया जाए, तो मैंने आगरा मूव कर लिया है अभी, तो मैं आगरा के लिए अभी निकल चुका हूँ। और मेरी स्पीड जो रहती है वो 75-85 के बीच में रहती है, इससे ज़्यादा मैं ड्राइव नहीं करता हूँ। अब जैसे ये रोड अभी देख रहे हो ना, ये ख़राब आ रही है, तो पूरी गाड़ी में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनोइंग जैसी आवाज़ आने लगती है, मतलब ऐसा लगता है कुछ लूज़ हो क्या हो, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तो अभी नई गाड़ी है, इस तरीके का नहीं होना चाहिएगा। बाकी का मैंने कुछ इंटीरियर इसमें जो है बाहर से कुछ आइटम्स लगवाए हैं, जैसे क्रोम गार्निश वगैरह जो भी है, सभी जो भी मेन चीज़ होती हैं। अभी मेरा जो है यहाँ पे जो आर्म रेस्ट होता है वो मैंने अभी ऑर्डर किया है और बहुत मुश्किल से मैंने सर्च किया है यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने एक आर्म रेस्ट मिला है, वो आज डिलीवर हो जाएगा, तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। उसके लिए मैं एक आपको फुल वीडियो दे दूँगा, तो आप देख चेकआउट कर लीजिए ना कैसा आपका जो है आर्म रेस्ट लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी का इंटीरियर जो भी मैंने बाहर से लगवाया है इंटीरियर में और एक्सटीरियर में जो भी मैंने इंस्टॉल करवाया है, उसका भी मैं एक वीडियो दे दूंगा अभी कुछ जल्दी। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं वीडियो आपको दे नहीं पा रहा हूँ। मौसम जो है काफ़ी सही है बट बारिश का आइडिया नहीं है होगी भी कि नहीं होगी। एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आपको ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि आप ब्रेक का यूज़ इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल अनलिमिटेड गाड़ी चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जो भी गाड़ी चलाएं वो 85 के समथिंग ही चलाएं, मगर 100 क्रॉस ना करें तो आपकी बेटर माइलेज भी देगा और सही से भी गाड़ी ड्राइव चलेगी। आप जैसे ये देख रहे हो ना रोड, ये रोड पर ना काफ़ी मतलब आवाज़ आने लगती है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहद ख़राब लगती है। अब मैं देखता हूँ सर्विस सेंटर पर इसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, अगर मैं उनको बताऊँगा तो। दोस्तों, मैं सर्विस सेंटर पर जाके आपको इसकी डिटेल देता हूँ, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या बताया उसके बारे में। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद।